रमजान में और क्या ही बात है, आज शेफ समिया के किचन में दोबारा हम हाजिर है। शेफ समिया कैसी हैं आप? ठीक हूं। मैचिंग करके आए मुझसे ऑलमोस्ट, फिर रोज आना हो रहा है मुझे तो। वो कह रहे हैं जो सलाहुद्दीन साहब होते हैं हमारे, वो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है मिठाई की दुकान में मुख्तलिफ मिठाइयां पड़ी हुई हैं। आपको देख कैसे महसूस हो रहा है? देखें यार, तब प्यारा मैंने चुनरी का ड्रेस पहना है यार, ये अच्छा लग रहा है, ये बहुत शुक्रिया। और ठंडा ठंडा लग रहा है, ऐसे गर्मी नहीं लग रही। ठंडा से बताया, कुछ ठंडा बन रहा है आज? आज हम बहुत गर्मी है। बादामी शरबत और इकरार शरबत नहीं बनेगा? नहीं बनाओ यार बादामी शरबत, बादामी किचन में जाता है तो हाथ हाथ कट जाते हैं, तो इसलिए जरा देख रेख के बनाना भाई। आज हम बना रहे हैं पसंदे ओके और बादामी शरबत, ठीक है। और इसके लिए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है तो हम इसके अंदर साबूदाने का भी इस्तेमाल करेंगे। तो धो लेते हैं। हाँ, बिल्कुल मैं धो लेती हूँ। हाँ, आप बताएं इंग्रेडिएंट्स। अच्छा भाई, इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपने पसंदे लेने हैं, इसको पार्चे भी बोलते हैं, बीफ के पार्चे ले लें। और मैंने इस पर कच्चा पपीता लगाया ताकि टाइमली जो है ये पक भी जाए। साथ साथ जो है वो हमने लाल प्याज ली है, पुदीना है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, प्याज है, गरम मसाला का पाउडर है, साबुत गरम मसाला है, अदरक है, हल्दी, लाल मिर्च, हरी मिर्चें, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया और नमक और दही, ठीक है। अक्सर लोग जो हैं इसको हरे मसाले के साथ बनाते हैं और हरे मसाले के साथ, लेकिन हम इसको थोड़ा सा ग्रेवी के साथ, लाल ग्रेवी के साथ पसंद है, लाल वाले अच्छे लगते हैं। अक्सर लोग हरे के साथ बनाते हैं इसको, पार्चों का सालन भी कहते हैं, लेकिन हम इसमें बना रहे हैं पसंदे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम लेंगे डालडा कुकिंग ऑयल। आप तकरीबन इसमें लेंगे 3-4 टेबलस्पून डालडा कुकिंग ऑयल, जिस पर माओ का पिछले 80 साल से बेहद भरोसा है। इस रमजान डालडा से ज्यादा बरकत और ज्यादा बचत। मैं सब जानती हूँ कि आप लोगों ने पूरा रमजान डालडा ही इस्तेमाल किया होगा और डालडा का वनस्पति जबरदस्त है। डालडा के जो दो किस्म के ऑलिव ऑयल्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताती रही हूँ, और साथ में सेहत पर, क्वालिटी पर डालडा कोई किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब हम क्योंकि शरबत बना रहे हैं बादामी शरबत, क्योंकि साबूदाना हमें बनाना है तो हम सबसे पहले चूल्हा ऑयल कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, ऑयल कर रहे हैं। अच्छा, चेहरा ओके। मुल्तान से कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। तुम्हारा नाम क्या है? सहरा। सवेरा। सवेरा, कैसी हो सवेरा, इतना प्यारा नाम तुम्हारा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं, आप कैसी हैं? माशाल्लाह से आप बहुत प्यारी लग रही हैं इस ड्रेस के अंदर। बहुत शुक्रिया। कल भी रेड वाले सूट में आप प्यारी लग रही थी, लेकिन आज कल से भी ज्यादा अच्छी लग रही हैं। कल जो था मेरा ड्रेस वो जनरेशन का था और आज का जो ड्रेस है वो केसरिया का है। अच्छा, और माशाल्लाह आपका शो भी बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। रमजान कैसे गुजर गया यार? हाय, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह। और अब देखो बस चंद दिन दूर है हम ईद से, एक और तोहफा हमारे पास आ रहा है और हमने ईद का बड़ा अच्छा शो प्लान किया है। सवेरा जरूर देखना, हंस हंस के तुम्हारा बुरा हाल हो जाएगा। जी, मैं आपका सारे ही शोज देख रही हूँ। हाँ। ये जो आपकी शेफ है, शेफ समिया, जी से मेरी बात करवा दे। जी, बात वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। रेसिपीज ट्राई कर रही हैं? मुझे ना बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती, मैं बचपन में सीखी थी लेकिन अब मैं जैसे ही बड़ी हुई, मेरी शादी उसके बाद मैं कुकिंग भूल गई ना। लेकिन आपने बिरयानी बनाई थी, मैंने आपकी बिरयानी ट्राई की तो वो बहुत अच्छी बनी। चले, बहुत जबरदस्त, चले बहुत शुक्रिया, आपको अच्छी लगी, आसानी से आपको रेसिपी समझ में आ गई, बहुत शुक्रिया आपका। आसानी से आ गई मुझे वो। हाँ, फलूदा आपने बनाया था उस दिन, वो भी मैंने ट्राई करना, अभी तक मैंने किया वो नहीं। तो बहुत आसान है, जल्दी हो जाएगा, जल्दी सीख लेंगे फटाफट। अच्छा सवेरा, इतने सारे गेस्ट हमारे आते हैं तो मैं सबसे अच्छा गेस्ट कौन लगा, सबसे अच्छी बातें किस गेस्ट की लगी? मुझे जवीर शेख की। जावेद शेख की? हाँ जी, उनकी तो क्या मजेदार बात है। मैं आपके शो में ना सबा कमर को देखना चाह रही थी लेकिन वो अभी तक नहीं आई। यार, हम भी देखना चाह रहे हैं लेकिन जरा वो बिजी हैं, अगर वो वक्त निकाल लेती हैं तो अभी बहुत। तो आगे के भी गेस्ट है ना, बहुत जबरदस्त गेस्ट हैं, आज के भी गेस्ट हमारे बहुत अच्छे हैं, तो देखते हैं। और सबा कमर को भी बुलाती हैं, पूरी कोशिश करते हैं भाई। जी, कोशिश की। ठीक है, बहुत शुक्रिया सवेरा, जजाकअल्लाह। अच्छा, हमने डालडा में प्याज डाल की है और
बस हल्के से ये पिंक हुआ तो मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया। अच्छा, मीन वाइल मैंने ऑलपर्स का दूध लिया है, ठीक है, इसको एक उबाल लिया था और इसमें साबूदाना डाला मैंने। अच्छा, इसमें उबलेगा ये, पानी में नहीं उबालना, हम दूध में उबालेंगे और इसमें चीनी हम इसमें शामिल करेंगे और इसमें हम गुलबहार का शरबत इस्तेमाल करेंगे ताकि इसका टेस्ट हो, इलायची यूज करेंगे, बादाम इसमें इस्तेमाल करेंगे ताकि बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आ जाएगा। जब तक ये लाल हो रहा है तो हम एक मजीद शरबत की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, एक और शरबत बन रहा है और साथ में यहाँ पर जो बादामी शरबत बन रहा है उसके लिए हमने ऑलपर्स, अच्छा उसी के लिए ऑलपर्स का दूध इस्तेमाल किया है। ऑलपर्स जो है मुकम्मल गजाइत का तोहफा, ऑलपर्स जो चलता है पूरा दिन, तो गाढ़ा दूध है, जबरदस्त है, मैं अपने घर में यूज करती हूँ, हम अपने किचन में यहाँ यूज करते हैं, मुझे यकीन है कि आप भी घर में ऑलपर्स ही इस्तेमाल करते होंगे। अच्छा, ये यहाँ पे इसका प्रोसेस बड़ा मजे का ही, ठंडा करके आपसे सर्व करेंगे। आपने दूध के अंदर आपने साबूदाना उबाल लिया, ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, साबूदाना डाला तकरीबन दो टेबल स्पून, दो टेबल स्पून, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दूध लेना है। अच्छा, तुमने साबूदाना डायरेक्टली डाला है, डायरेक्टली पहले तुमने? नहीं नहीं, भिगो अभी, डायरेक्टली धो के आप सुखाएं। अच्छा, थोड़ा सा हम लेंगे दूध इसमें, ओके, और यही गरम दूध हम इसमें डालेंगे जो भीगे हुए बगैर छिलके के बादाम, बादाम है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे हम लेंगे इलायची का पाउडर, सही, ये इलायची पाउडर इधर रख दो, ऊपर दे दो मुझे, दे दो। और यहाँ पे गुलबहार का शरबत आपको चाहिए, देख जी समिया? नहीं नहीं, ओहो, हो ये क्या हो, कोई गया? बात नहीं, कोई बात, नजर लग गई। ये गुलबहार का शरबत और इसके साथ हम इसको करेंगे ब्लेंड, ठीक है, ठीक है। टिश्यू दे दे मुझे, रख देती हूँ मैं ऊपर। कश्यप, तुम बहुत टेंशन दे रही हो, ये लाओ दो मुझे, कोई बात, हो जाता है घर के किचन में भी। अच्छा अच्छा, बताएं जल्दी जल्दी कि हमने क्या किया है, आज क्या हो रहा है आज कश्यप हमारे आसपास है, इसको गायब करें। अच्छा चले भाई, ये हो गया, ये दूध, हाँ ये मैं कर लेती हूँ, मैं सफाई कर रही हूँ, आप काम करें। ये हमने गुलबहार के शरबत, गुलबहार का शरबत में हम ऐड करेंगे और इसको ब्लेंड करेंगे। आपने गरम दूध लिया है, दूध के अंदर आपने डाला है छिले हुए बादाम, बादाम भिगोए हुए, और उसके अंदर अब आपने डाला है मरहबा गुलबहार, इसको ब्लेंड करेंगे। इसकी खुशबू ऐसी जबरदस्त है कि जब भी आप लाल शरबत बनाएं, मेरा तो नया फेवरेट हो गया है मरहबा गुलबहार। और इसके साथ अच्छा अदरक और लहसुन के छींटे खूब सारे उड़ रहे हैं। और यहाँ पे इस वक्त हम डालेंगे बीफ के, मैं दूध को थोड़ा साइड पे कर देती हूँ। पपीता लगा हुआ है इसमें ना, ठीक है, ठीक है, ये पपीता लगाया। अब हम क्या करेंगे, ये प्याज देंगे, तली हुई प्याज, और ये दही, क्योंकि मैंने प्याज बहुत कम इसमें शामिल की थी, आधा कप, और हम क्योंकि तली हुई प्याज इस्तेमाल करेंगे तो इसलिए हमें प्याज को देखना होगा। ये तकरीबन एक तली हुई प्याज है और हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसका अच्छा मसाला है। पसंदा कट है ये, हम घर में भी बना सकते हैं या दुकान से ही बना? अगर आपको बीफ की कटिंग आती है तो। अच्छा, ये बीफ के कौन से हिस्से का जो गोश्त होता है पसंदा, उससे पसंदा कट अच्छा होता है? देखिए ये जो ना इसका है रान का, रान का गोश्त होता है ना, कि टेंडर है या किस तरह का बनना है, ये टेंडर है। ठीक है, मैं अपना हाथ धोने जा रही हूँ क्योंकि मैंने इसको दही और प्याज को मिक्स किया। हाथ धोते हैं हम किचन में, आप सब जानते हैं किससे, डेटॉल के लिक्विड हैंड वॉश से, जो कि 100 तरह की बीमारियों से, जरासीम से आपको और आपके घर वालों को रखता है दूर और रखता है महफूज। तो घर में इस्तेमाल करें डेटॉल का लिक्विड हैंड वॉश और सोप, और अपने घर वालों को, अपनी पूरी फैमिली को रखिए कई तरह की बीमारियों से दूर। ठीक है, इस वक्त हम शामिल करेंगे ये दही और प्याज। अच्छा, फ्राइड प्याज और दही, दही, ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम किनोर क्यूब, ओके, किनोर क्यूब जो आपको असली चिकन का जायका देता है और आप दाल में इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी अपने खाने में, जो उसको टेस्ट के को इनहेंस करने के लिए आपका। और पता है मुझे लगता है कि जिनको आदत हो जाती है किनोर का चिकन क्यूब यूज करने की, फिर वो इसके बगैर खाना नहीं बना सकते। अच्छी हवा माशाल्लाह चल रही है। अच्छा मुझे बताएं, आप डायरेक्टली किनोर का चिकन क्यूब ऐड करती हैं या पानी में मिलाकर? नहीं, डिपेंड करता है क्योंकि इसमें पानी भी निकलेगा ना, दही और पसंदों का, तो इसमें हो जाएगा, अदरवाइज आप इसको घोल के भी डाल सकते हैं। ये क्या डाल रही हैं? ये हल्दी, हल्दी मसाले डाल दें, फिर मैं कॉल लेती हूँ। ठीक है, और लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। कुरतुलैन की कॉल है जी लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम कुरतुलैन। जीरा पाउडर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप कुरतुलैन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सॉरी मेरा नाम कुरतुलैन ही, नूरुलैन है। नूरुलैन तो बहुत ही प्यारा नाम है, कुरतुलैन भी बहुत प्यारा नाम है। नूरुलैन कहाँ रहती हैं आप, लाहौर के कौन से इलाके में?
मैं लाहौर के इलाके में रहती हूँ, वॉल्टन कैंट। वॉल्टन में? भाई मेरे भी वॉल्टन में रिश्तेदार रहते हैं, क्या बात है। मेरे गुलबर्ग में, वॉल्टन में, हर जगह जो है ना रिश्तेदार हैं। कैवलरी ग्राउंड गुलबर्ग है ना, सारे करीब करीब है। मेरे जो नाना का घर है ना वो गुलबर्ग में ही है। अच्छा अच्छा, बताओ भाई लाहौर में गर्मी कैसी है? लाहौर में गर्मी है, आज तो बहुत गर्मी पड़ रही है, लेकिन फिर भी बेहतर है। यार लाहौर में ना नूरुलैन, जब गर्मी होती है ना तो फौरन से बारिश भी हो जाती है, कराची में बारिश नहीं होती यार। ये है। अच्छा मुझे नूरुलैन बताओ, शॉपिंग शादी की हो गई है, ईद की शॉपिंग हो गई है कि नहीं? जी बिल्कुल, ईद की मेरी शॉपिंग हो गई है, मेरे घर के करीब बाजार है, सेवन स्ट्रीट। अच्छा, क्या क्या खरीदा तुमने, कौन से बाजार से? कल ही मैं चूड़ियां वहाँ से लेके आई हूँ, और बैंगल्स ये इयर रिंग्स लेके आई हूँ, गोल्डन, क्योंकि शादी के बाद मेरी पहली ईद है तो। अरे क्या बात है, तुम्हें तो मेहंदी भी लगवाओगी भर भर के? जी जी जी, वो भी लगवाऊंगी। जी जी बिल्कुल, मेहंदी भी लगाऊंगी। जबरदस्त, वो सब आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू नूरुलैन, बहुत बहुत शुक्रिया एडवांस में, तुम्हें ईद मुबारक। बहुत देख ली समिया की रेसिपी बहुत अच्छी होती है, मैं ट्राई भी करती हूँ। वो कटोरी चाट जो थी उस दिन, जो आप कह रही थी कि आप ठेला लगा ले, बहुत चलेगी, बहुत शुक्रिया। वो चाट वो सब मैं ट्राई कर चुकी हूँ रेसिपी। अरे वाह जबरदस्त बात है यार, बाकी बहुत अच्छी रेसिपीज होती हैं। आज जो है वो बादामी शरबत बन रहा है, वो भी आपने जरूर ट्राई करना है, ठीक है? जी जी बिल्कुल जरूर। चले, थैंक यू नूरुलैन, आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। अभी दिन बहुत है लेकिन क्योंकि आप लोगों से दोबारा बात नहीं होनी तो एडवांस में ईद मुबारक। छोटा है। अच्छा तुमने फ्राई पैन में इसलिए बनाया था कि लोग इजीली देख सके। हाँ, ना देख सके। देखची में दिखता नहीं, में दिखता नहीं है। हमें कल कंप्लेन आई कि यार देखची में ना शॉट दिख नहीं रहा होता सही से, तो आप जरा खुले पैंदे वाले बर्तन में बना ले, तो आज हमने इसमें बनाया। मैं मेरी रिक्वेस्ट पर, वरना कहती नहीं नहीं पसंद है देखची में ही बनता है, मैंने कहा कोई बात नहीं, लोगों के देखने के लिए, सहूलत के लिए, आसानी के लिए फ्राई पैन। आपको पता है पसंदे जो मिट्टी के बर्तन में भी बनता है, उसका तो बहुत जबरदस्त। अच्छा पसंदे हमारे डाला किचन मास्टर में कंटेस्टेंट ने बनाए थे लेकिन वो अच्छे नहीं लगे थे। उसमें क्या मसला था? उसका ये था कि एक तो गोश्त का इशू था कि जिस तरह सही से पीस कटे नहीं थे और कच्चा था, क्योंकि कंपटीशन के अंदर कच्चा खाना तो हम अब यार बीफ वैसे नॉर्मली लोग जो है बीफ बनाते नहीं है देखती में, वो कुकर में ही डाल देते हैं। हाँ। तो ये अगर पसंद है कुकर में बनाए तो सही बनेंगे, बहुत जल्दी बन जाएगा, बहुत थिन स्लाइसेस हैं। हाँ। आराम से ये बनेंगे। और दूसरा ये कि मैं आपको बता दी चलूँ कि ये बिल्कुल भुना हुआ बनेगा। अच्छा, इसमें पानी इतना डाला है ताकि जो गोश्त है बीफ का ये गल जाए। ठीक है, और हमने जो है वो दूध का शरबत जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, सिर्फ ठंडा करके इसको बादाम और पिस्ते के साथ सर्व करेंगे। तो इसमें ठंडा कर दें या इसमें डाल दें? ये टूट ना जाए क्योंकि अभी काफी गर्म है। ओह अच्छा, बस इसलिए ये है। आज वैसे ही बहुत ज्यादा गर्म चल रहे हैं। अच्छा, इसको ठंडा करके आप लोग जो बांटने वाला शरबत होता है ना, जो हम लोग बांटते हैं, वो आप ही बना सकते हैं। इसका प्रोसेस यही होता है कि आप पहले दूध को इस तरह उबाल लें, इसके अंदर साबूदाना ऐड करें, जितनी आपने चीनी इस्तेमाल करनी है कंडेंस मिल्क बराबर से करें, बहुत मीठा शरबत नहीं बनेगा। फिर आप ब्लेंडर लेंगे, ब्लेंडर में यही दूध, उसके अंदर छिले हुए बादाम और उसके अंदर इलायची और उसके आपने गुलबहार, मैंने लाल शरबत या मरहबा गुलबहार का, और उसको अच्छी तरह ब्लेंड करें और फिर आप शामिल कर दें, क्रीमी टेक्सचर आएगा। और चाहे तो जब आप ब्लेंड कर रहे हो तो उसमें क्रीम भी ऐड कर सकते। अच्छा, और आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी, जितना मीठा डालें उतना अच्छा बनेगा। और लेकिन मीठा आपने हाथ रोक कर और इसके अंदर जो है वो एक और चीज जो की अक्सर लोगों को पसंद है, छोटे छोटे क्यूब्स में थिक जेली। अगर आप रिफाइन की जेली यूज करें तो बहुत अच्छा होता है। क्या होता है, फालूदा ऐड कर दें, फालूदा छोटा, बिल्कुल। तो वो वैसे तो तुख्मे बालंगा भी कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं आपको बड़े मजे की चीज बताऊं, इसके अंदर बर्फी यूज कर सकते। अच्छा, मिठाई की दुकान, लेकिन फिर वो बहुत हैवी हो जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है। हाँ, ये ऐसा है कि आपने इसको ठंडा करें, अभी जिस तरह आज हीट वेव है। हाँ, तो आप इसको आराम से इसको फ्रिज में रखें। बाहर हीट वेव नहीं है, समय के किचन में हीट वेव चल रही है धुएं की वजह से। बहुत ही आज बहुत गर्मी है, आज किचन में बहुत गर्मी है, वहाँ पे अच्छा मौसम है, हवा बहुत हमारे सहन में। अच्छा जी ठीक है, तो ये दोनों चीजें ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, बिल्कुल चले जाए। बिल्कुल, इसको इतना पकाना है कि गोश्त गल जाएगा और ये मसाला सारा सूख जाएगा, यानी कि कहते हैं लतपता भी नहीं बनेगा, भुना भुना सा बनेगा। फिर इसको हम गार्निश करेंगे हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक और नींबू के साथ। जबरदस्त जी, आप ये कंप्लीट करें, आपके पास आएंगे दोबारा। अभी मैं जा रही हूँ प्यारे बच्चों के पास जो कि आ गए हैं हमारे सेट पर, और उनके साथ हैं बाबर अंकल। देखते हैं कि आज कौन सी नई कहानी और नया वाक्या है जो हमें बाबर अंकल सुनाने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर अंकल। वालेकुम सलाम।
भाई कल मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि आप बाबर अंकल, आपसे उम्र में कितने बड़े हैं जो आप बाबर अंकल कहती हैं, तो बाबर बताए मैं आपको बाबर अंकल क्यों कहती हूँ। बच्चे कहते हैं ना, तो मैंने पहली ट्रांसमिशन में कहा था कि वैसे बाबर मेरे भाई, लेकिन इस सेगमेंट में बाबर मेरे अंकल। क्या चांद रात को ही बोल दिया था, आपने ट्रांसमिशन नहीं देखी तो मेरी क्या गलती है मिस्टर एंड मिस व्हाटएवर यू आर। ये वाला सवाल आपसे भी हुआ मुझे, बल्कि फैमिली में इधर उधर से लोग आ रहे थे, कह रहे थे यार आप बाबर अंकल कब से बन गए यार। भाई बच्चों के बाबर अंकल है ना, इसलिए हम बाबर अंकल। राघव ठीक भी है। अच्छा अब एक और मसला है कि जो बात करेगा ना वो माइक में करेगा, आवाज ही नहीं आती। ऐसे लगता है मैं और बाबर पता नहीं क्या किस बात पे हंसे जा रहे हैं, तुम लोग की आवाज आती नहीं है माइक में। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम हुरैन, आपने भी गरारा पहना है मेरी तरह, कितने नाइस लग रहे हैं हम दोनों की गरारे। वाह भाई, ये लो शेरी क्या कहना है आज आप बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। मैं कब अच्छी नहीं लगी वो वाला दिन बताओ, किसी भी दिन नहीं ना, सब दिन अच्छी लगती हूँ। थैंक यू। और आज आप लोग ने एक जैसे कपड़े पहने, ये अलग सा है, क्यों तुम अलग से हो? क्योंकि मैं इनके मायों में नहीं आया हुआ। उम्र आपने रोजा किस उस पे एज पे रखा था पहला रोजा? हमारी क्या एज है? 5 में तो नहीं बट 7-8 में शायद। ये बताओ कि मैंने किस एज में रोजा रखा था, कौन बताएगा? 3 यस, मैंने 3 इयर्स की जब मैं थी रोजा रखा था। बल्कि ताबिश अभी मैं आपको पिक्चर देती हूँ, तो आप जरा दिखाइएगा वो स्क्रीन पर, थोड़ी देर में मैं आपको भिजवाती हूँ वो पिक्चर, ठीक है जी। वाकई यार मैं 3 साल की थी मैंने रोजा रखा था, सोचे इमेजिन करें। क्या बात है, मेरे पास वो तस्वीर है हमारे जहाँ मैं लगवाई थी मेरा मम्मा ने पिक्चर। चिड़ी का बच्चा रोजा नहीं था, मैंने सहरी की और मैं सहरी करके सो गई और फिर मैं 12 बजे उठी। फिर मैंने तो भाई नमाज थोड़ी 3 साल की उम्र में पढ़ सकते हैं। फिर मैं 12 बजे उठी, मेरी अम्मा कहती हैं, उसके बाद मैंने खेला और मेरी अम्मा ने मुझे कहा तुम खाना खा लो, मैंने कहा नहीं लो जाए। और मैं यही कहते 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 2 बजे दोबारा सो गई। 2 बजे जब मैं सोई तो मैं 3:30-4 बजे उठी। अब तो बस होने वाला था टाइम, तो मेरे अब्बा आ गए घर से, ऑफिस से घर, भाई चुप करो, ऑफिस से घर आ गए। तो उनको जब अम्मा ने बताया तो अब्बा ने कहा कि देखो अगर वो रोजा रखना चाह रही है तो हम रखवा देते हैं रोजा। उस वक्त लेकिन मुझे थोड़ी सी भूख लगना शुरू हो गई थी, तो मेरे अब्बा मुझे उर्फा उनके पास बाइक होती थी, वो मुझे बाइक पे बिठा के पूरे मार्केट का चक्कर लगाने ले गए ताकि मेरा थोड़ा टाइम गुजर गए। हाँ एम्प्रेस मार्केट, ठंडी ठंडी हवा मिले। हाँ और पता है क्या हुआ वहां पर ना, मैंने देखा कि एक जगह पर दुकान पर पानी बिक रहा होगा, तो मैंने अपने अब्बा से, मुझे लगता था कि 2 रुपए का पानी मिलता है, हर चीज मिल जाती थी ना, तो मैंने बाबा से कहा बाबा मुझे 2 रुपए का पानी दिला दे, मुझे बहुत प्यास लग रही है। उन्होंने कहा अब हम घर जाएंगे और इफ्तार करेंगे, और फिर हम मगरिब की अजान से पहले घर पहुंचे और मैंने रोजा पूरा कर लिया, पूरा रोजा, नो खाना पीना। तो क्या बात, नो चीटिंग जी। हो रहे जी आपको पता है तो मेरा नाम चिचड़ा है। क्या होता है? मेरा भाई तो हमेशा चिचड़ा होता है। चिचड़ा नहीं चिड़चिड़ा। राबिया वो आपको मेरे नाम का मतलब बता रहे हैं। क्या? मेरा नाम रेयान है और पता है रेयान का मतलब? किसका मतलब? रयान। रयान तो जन्नत का एक दरवाजा है ना, और रोजेदार वहाँ से आते। हाँ क्या बात है, रयान बहुत प्यारा नाम है जी। मेरे नाम का मतलब बताओ, मेरे पूरे नाम का मतलब बताओ। राबिया का नाम, राबिया का मतलब 4, और ये कहते हैं अनम। अनम का ये कहते हैं औलाद। इनाम। इनाम। तो मेरे 3 भाई हैं और मैं चौथी बेटी और बहन, तो चौथा इनाम, इसलिए मेरा नाम राबिया अनम है। अच्छा बाबर अंकल, अगर मेरी सारी कहानियां हो गई, मेरे 3 नाम हो गए, राबिया अनम उबैद, मैंने अपने मियाँ का नाम भी अपने साथ जोड़ लिया, उनका नाम है उबैद शरीफ, तो मैं सोच रही 4 कर लूँ, राबिया अनम उबैद शरीफ जी। बाबर सुना दे स्टोरी, वरना इनकी बातें नहीं खत्म होगी। बोलो। मेरी मम्मा का नाम भी ईमान है। तो और किसका नाम ईमान है? मेरी दोस्त का नाम भी ईमान है। कहाँ से कहाँ कहानी जोड़ती है जी बाबर अंकल, क्या टॉपिक है? नियत। नियत बता दो नियत के बारे में। नियत क्या? बताओ आप बताओ। जो काम यानी जो जिस चीज का हम इरादा करते हैं, किसी काम करने का जो इरादा करते हैं उसको नियत कहते हैं। जैसे और? हम कहते हैं और दिल से कोई हम पक्का इरादा करते हैं उसे तो नियत, नियत होती है। अच्छी नियत और गंदी नियत, मुझे पता है अच्छी नियत, नियत, नियत। अच्छी नियत जो हम दिल से एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल जैसे मैं पढ़ना नहीं चाहता, मतलब बुरी नियत है, पढ़ना नहीं चाहता बुरी नियत है, और मुझे यहाँ पर आने तो अच्छी नियत रख के। और मैं एग्जाम्पल दूंगी,
अच्छा ठीक है, अच्छी नीयत और बुरी नीयत, एक छोटी सी एग्जाम्पल है, हम एग्जाम में फर्स्ट आना चाहें इसलिए कि हमने अच्छे से पढ़ाई की है और हमें बहुत खुशी होगी और मामा बाबा खुश होंगे, अच्छी नीयत। यस, बुरी नीयत, मैं फर्स्ट आऊं तो वो वाला बच्चे को बहुत बुरा लगे और वो रोए ताकि मैं फर्स्ट आ जाऊं, तो बुरी नीयत। जी बताएं, अच्छी नीयत अच्छी होती है, गंदी नीयत गंदी होती है। अच्छा, सिंपल सिंपल इज दैट। चले बिस्मिल्लाह करें बाबर अंकल। अच्छा भाई, कहानी कल की याद है कुछ, थोड़ी सी कहानी? कल क्या सुनाया था? मैं आपने स्टोरी सुनाई थी। कौन सी? कहीं नहीं सुनता, अकबर सुनता है। लैलतुल कद्र, पूरी पता है मुझे। चलो फिर आज की कहानी शुरू करते हैं, थोड़ी सी शुरू करें। राबिया, आज कहानी एक चोर के बारे में। खबरदार, कोई बुरी बात नहीं करेगा। हम शकील भाई के बारे में तो मजाक करते हैं, अच्छी नीयत से करते हैं, मजाक की नीयत से। फेस रिवील कब होगा? चांद रात पे फेस रिवील करेंगे। बताइए जी, रोजाना मेरे पास सब आते हैं, कहते शकील भाई से मिलवा। यार मिलवाएंगे ना, आज मैं लेके जाऊंगा तुम लोग, चांद रात पे मिलवाएंगे। अच्छा बिस्मिल्लाह करें। एक चोर था, वो बड़ा तेज किस्म का चोर था। चोर का नाम? यार नाम तो आप अभी सोच के आया करें ना। नहीं, चोर का नाम था, चोर का नाम था राज। क्यों भाई, कौन से स्टार्ट लग नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, इमरान, नवाज शरीफ। चोर का नाम था जयान, जयान नाम। खबरदार, चुप करो, इनके माइक बंद करो यार, ये बहुत ही पॉलिटिकल बच्चे हैं यार, ये क्या हो गया आजकल के बच्चों को, चुप करो। खबरदार, हाँ अरे कहानी में ध्यान दो यार। तुम्हें क्या हो गया, तुम क्या? बाबर भाई बहुत साबिर इंसान है, तुम लोग बर्दाश्त करते हैं रोज। कोई नाम नहीं था चोर का, नहीं चोर का कोई नाम नहीं था, ठीक है? हाँ नहीं नहीं नहीं, चोर का नाम ही नहीं था कोई। चोर का नाम दे रहे तो जयान नाम का। चलो अच्छा दे दे, अच्छा नाम। चोर का नाम चोर था। हाँ चोर भी था, अच्छा इंसान, चोर चोरी था उसका, ठीक है। चोर का नाम था चोर, उसका उसकी उसका हाथ बड़ा तेज चलता था। कभी ठेले के पास गया तो तीन चार सेब ले लेगा जेब में, ठेले वाले को पता नहीं चलेगा, किसी के कपड़े चुरा लेगा। ओए, दुकान से जाके कपड़े चुरा ले, किसी दुकान में जाएगा तो तीन चार कोल्ड ड्रिंक्स उठा लेगा और अपने बड़े मजे से यूं जिंदगी गुजारता था। वो जेबों में डालता था। तो एक दिन चोर की चोर की दाढ़ी में शादी, शादी का टाइम आ गया। चोर की शादी हो रही है। अकबर को माइक दे दो, ये लो। हाँ अकबर पकड़ लो माइक, तो भाई झुकते ना माइक। चोर भी तो इंसान है, वो भी शादी करेगा, ठीक है। अब चोर की शादी हो गई, ठीक है। वो रोजाना अपनी बीवी को क्या करता था, मैं घर से जा रहा हूँ काम करने, लेकिन नहीं बीवी के लिए, बीवी 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 से चोरी नहीं, बीवी से बहुत प्यार करता था, बीवी से बहुत प्यार करता था, लव मैरिज। चोर समझता है मेरी बीवी का नाम मोरनी है। तो अब वो रोजाना बाहर जाता था, कभी उसके लिए कपड़े लाता था, कभी उसके लिए कोई, बीवी खुश, पता नहीं पीछे हो क्या रहा है, क्या वो समझती थी मेरा ब्याह काम कर रहा है। और इसी तरह ऐसे ऐसे कई साल गुजर गए, उसने चोरी करते 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 इतना सारा ढेर साल माल इकट्ठा कर लिया। क्या बात है, कभी जाकर किसी के नीचे पैसे रखे हों तो पैसे चोरी कर ले, हर तरह की चोरी करता था, लेकिन कभी पकड़ा नहीं जाता था। ये बड़ा तेज उसका मामला था, क्योंकि हर काम को सीखने के लिए टाइम रहते, उसने इस काम को एक्सेल। चुप करो। वो इस काम में माहिर हो गया, ठीक है। तो एक तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी आगे फैमिली बढ़ गई, तो उसका बेटा पैदा हो गया, तो वो चोरी करता और वो शहर जिसमें रहा। चोरी करता यार, अभी तो छोटा सा बेबी है ना, वो है ना, अभी तो चोरी का हो सकता है, बहुत दिमाग खाते हैं बच्चे। और वो रहा, वो बड़े बड़े शहर में रहा करता था, जहाँ पे किसी को उसकी चोरी का पता ही नहीं चलता था। तो एक दिन कई साल गुजर के चोरी करते करते उसने बड़ी बड़ी चीजें ले ली और उसका ऐसा ऐसा बेटा भी बड़ा हो गया। ओके, वो माफिया बन गया। नहीं, अब उसने अपने बेटे को कहा, सारा टब्बर चोर। अच्छा फिर और ये चोर जो था वो अकेला था, हाँ। किसी के साथ वो कभी अपने आप को नहीं डालता था कि भाई क्या सोलो चोर था। सोलो करेंगे भाई, क्योंकि वो राबिया ये सोचता था कि अगर मैं किसी और को चोर बनाऊं
तो क्या पता वो मेरे ही चोर के घर से चोरी कर ले। सही बात है, इसलिए मैं सोलो ट्रांसमिशन करती हूँ। फिर क्या हुआ भाई? तो अब उसका बेटा जब बड़ा हुआ तो उसने सोचा यार मैं अपने बेटे को स्कूल भेजने के बजाय इसी काम में डाल दूँ। जी नियत खराब, नियत उसकी अंदर से होती। वो फिर बहुत जोर से भी भागता होगा। वो बहुत जोर से भागता होगा। अपने बेटे को तो चोर बना सकता है। चोर नहीं था ना वो, उसके दिल में चोर की गास चौधरी तो नहीं थी। चुप करो, चौधरी बहुत अच्छे होते हैं। तो अब उसकी भागता था, वो फ्लैश था। ये कौन सी गेमिंग की दुनिया में बच्चे बड़े हो रहे हैं? सोनिक की दुनिया में, GTA 5 में बड़े हो रहे हैं। अच्छा बताओ, कभी किसी ने कोई चोरी तो नहीं की ना? नहीं नहीं नहीं। किसी ने? मैं अम्मी के पर्स से निकाल लेती थी कभी 5-10 रुपए। देखा सब बोलेंगे, मैं नहीं निकालती थी, मुझे पूछना था कौन निकालता। आपने भी निकाले ना? अच्छा मैंने सुना है, मुझे नहीं पता कितनी बातें, कि अगर बीवी मियाँ के पर्स से थोड़े पैसे निकाले तो चोरी में नहीं आती। इजाजत है दीन में हमारे कि निकाल सकते हैं थोड़े पैसे। सारी बीवियों को बता रही हूँ मैं आज, बच्चों को नहीं निकालना चाहिए, मामा से पूछ लेना चाहिए। मैं अपनी अगर क्या मैंने ले लिए थे, ठीक है। क्या बात है जी, तो उबैद भाई अपनी जेब बचा के रखते होंगे। ऐसी की तैसी उबैद भाई की। कैसे बचाएगा जेब अपनी? अच्छा फिर मेरे साथ नहीं होता, यही होता आपके साथ। मैं कभी कुछ 1000 रुपए रखे हो, थोड़ी देर पूछ रहे कहाँ गए। 1000 मत रखा, 2000 रखा करे, ताकि 1000 बचे रहे। अच्छा फिर आगे क्या हुआ? मानूर अगर आप देख रहे हो तो ये देख लो। मानूर सॉरी, वी आर सॉरी, आपके आपके बिया को इतना टॉर्चर करने के लिए हम माजरत हुआ। मैंने वैसे मैंने अगर कभी चोरी की है ना तो इस तरह की, अगर मैं कभी नमाज पढ़ रहा हूँ बचपन में, बाबा कमरे में आ गए तो मैं लंबी लंबी नमाज पढ़ रहा हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी और मैं नमाज पढ़ना स्टार्ट की थी, मुझे ना वजू करने का दिल नहीं चाहता था सर्दियों में, खास तौर पे मैं 6-7 ईयर्स की होंगी शायद। तो मैं बाथरूम से ना सिर्फ थोड़े थोड़े हाथ और हल्का सा मुंह गीला करके मैं कहती थी मैंने वजू करना। मम्मी कहती थी इतनी जल्दी कोई वजू नहीं होता। शाम तक जाओ और जिस तरह मैंने तुम्हें ये चोरी सिखाई है तुम भी जाके ये चोरी करो, और इस तरह करो कि तुम्हें कोई, ये सुन लो, ये कीवर्ड सुन लो, इस तरह चोरी करो कि तुम्हें कोई देख ना रहा हो। बेटे ने कहा ठीक है बाबा आप जैसे कहें। वो निकल गया चोरी करने, ठीक है। अब चोरी जो करता था सुबह से लेकर रात तक, तो उसी की उसकी बीवी रात को खाना बनाया करती थी। अब वो मियां और बीवी सुबह से इंतजार कर रहे हैं कि अब हमारा बेटा एक इस काबिल बनेगा, वो भी चोरी करेगा, उसको वो भी अपने पैरों पर खड़ा होगा और हम रात को उसी पैसों से खाना खाएंगे। अब बच्चे ने शाम में आके घंटी बजाई, जैसी टिंग डोंग घंटी बजी, उसका बाप भागते हुए क्या सीधा दरवाजा खोला कि अभी मैं अपने बेटे को गले लगाऊंगा और शाबाशी दूंगा। जैसे ही उसने उसके दोनों हाथ देखे, दोनों हाथों में हथकड़ी, कुछ भी नहीं था। दया हथकड़ी कहाँ गई? हथकड़ी नहीं थी, दोनों हाथ खाली, दोनों हाथ खाली। तो बाप ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, तुम सुबह से गए, तुम अभी तक कुछ लेके क्यों नहीं आए? उसने कहा बाबा मुझे सुबह पैसे भी मिले जमीन पर, मुझे फल वगैरह कपड़े वगैरह हर चीज मिली मैंने, और मुझे उस वक्त कोई देख भी नहीं रहा था। तो उसने बोला बेटा क्यों नहीं लेकर आए? उसने कहा लेकिन बाबा मुझे ऐसी कोई एक भी जगह नहीं नजर आई जहाँ मुझे अल्लाह ना देख रहा हो। क्या बात है, मैं कैसे चोरी करता? तो बाप ऐसे फौरन से चौंक गया और उसकी आंखों से आंसू टपकना शुरू हो गए कि मैंने सारी जिंदगी चोरी करी और इन्हीं चोरी के पैसों से घर लाकर मैंने अपने बच्चे को खिलाया, और आज इसी बच्चे की बात से मेरा दिल जो है वो बिल्कुल अफसरदा हो गया, गमगीन हो गया। बाप ने फौरन से बच्चे को गले लगाया कि आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। वाह। और उसके बाद उसने वो सारी चोरी का माल गरीबों में बांट दिया और उसके बाद उसने अपनी छोटी सी दुकान खोली तो नियत और इस नियत से जिंदगी गुजारी कि अब से जो भी काम करेंगे खालिस किसी लिए करेंगे, अल्लाह की खुशनूदी के लिए। उसके बाबा ने जब बोला था ना कि उसके बाबा ने जब बोला था जा तुम चोरी करो,
के दिन में सिर्फ एक ही चीज होगी, जाओ बेटा जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे, जाओ चोरी करो जी अगर अच्छा है तो। हाँ अर्ज करता हूँ, ओ माय गॉड पजामा ही होकर के अर्ज करता हूँ जी, कर बेजुबान को जब वो जबान देता है पढ़ने को जब वो कुरान देता है, बेजुबान को जब वो जबान देता है पढ़ने को वो कुरान देता है, जब बख्शने पे आए अपनी उम्मत को तोहफे में वो रमजान देता है। वाह 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 वाह, इसी बात पे क्या खूबसूरत शेर।